तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो मेरे सन का नूर बर्ड है, ये अभी हमने देखा कि ये लोग मीटिंग कर रहे, तो आप भी इसे वीडियो में आप देख सकते हैं जो आप ये लोग किस तरह से मीटिंग कर रहे थे। इसे जल्द ही ये लोग के अंडे आने वाले हैं, तो ये लोग भी ब्रीडिंग करेंगे। जो हमारे नए पेयर थे वो लोग अभी मीटिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रेंड आपने वीडियो में भी देख रहे होंगे कि वो लोग किस तरह मीटिंग कर रहे हैं, और तो देखते हैं कि ये लोगों का कब ब्रीडिंग होता है और कब ये लोग अंडे बच्चे करते हैं। तो इसका जो आप क्वालिटी है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा क्वालिटी का ये देखिए, और मेल और फीमेल। तो इसका जब अंडा बच्चा आएगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर और हेल्थ है, और वहाँ पे मैंने बॉक्स लगाया था, तो अभी देखते हैं कि नेस्टिंग भी बहुत ही अच्छे से करके ये लोगों को दिए। तो अभी ये देखिए बॉक्स में तो जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग ये किस तरह से एकदम भूसी जो ये महीन कर चुके हैं ये देखिए, और जो मैंने नीम के पत्ते दिए थे तो ये लोग बॉक्स के अंदर भी जा रहे हैं और बॉक्स में जाकर बैठ रहे हैं। तो जल्द ही ब्रीड का, और ये देखिए फीमेल ये किस तरह देख रही है, और वहाँ पे इसका जो मेल है वो यहाँ पे है। तो ये लोगों का जल्द ही ब्रीडिंग आएगा फ्रेंड, तो वो लोग आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करते हैं। और इसका जो ब्रीडिंग आया तो लाजवाब ही आएगा, क्योंकि मेल और फीमेल जो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा क्वालिटी का, और ये मेरा खुद का घर का ये मैंने बच्चे से इसे रखा और खुद से हैंड टेम किया और हैंड फीड करके इसे बढ़ाया। और जब लोग अभी 2.5 साल के हो गए और पूरे जब रेडी हो चुके तब मैं इसे ये देख सकते हैं मैंने दिया हूँ ये बॉक्स, और ये लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कब ब्रीडिंग करते हैं। और ये मेरा जो मोंग पैरोट है ये बहुत ही डिफरेंट ये किस तरह से कर रही है। ये ब्रीडिंग पे जल्दी आने के लिए आप इसे अच्छे से खाना पीना दे और अच्छे से केयर करें ताकि ब्रीडिंग अच्छा हो। तो इसीलिए फ्रेंड आपने देखा कि मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने ये लोगों को सेपरेट कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लोग सब एक साथ थे, और जब मैं बच्चा से रखा था तो सारे के सारे एक साथ बड़ा हुए थे, और अब जब ये 2.5 साल के हो गए तो मैंने इसे सेपरेट कर दिया। तो अभी ये लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग हो रहा है, और मैं इसे अच्छे से खाना पीना ध्यान दे रहा हूँ। और ये मेरा बहुत ही प्यारा कलरफुल बर्ड है, ये देख सकते हैं कितना प्यारा। और जब बच्चे से आप रखते हैं और छोटे बच्चे से जब हैंड टेम करके उसके बाद जब ये लोगों का ब्रीडिंग आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है गाइस, क्योंकि ये लोग मेरे जो बर्ड है आप बचपन से रखे इसे, और दो जब 2.5 साल 3 साल के जब आप रख के जब ये लोग आप देखते हैं कि ब्रीडिंग करने का टाइम आ चुका है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं गाइस ये लोगों का कब ब्रीड आता है, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो गाइस अभी तो वेट करना होगा, क्योंकि ये लोग अभी मीटिंग ही कर रहे हैं, तो मीटिंग करने के कुछ दिन बाद ही ये लोग अंडे ले करेंगे। तो देखते हैं कि कितने मेरे बर्ड ये कितने अंडे देते हैं, क्योंकि जो सन कुनूर बर्ड के एवरेज होते हैं 5 से 6 अंडे भी देते हैं, तो मेरे बर्ड जो 5-5 अंडे देते हैं। तो ये देख, तो गाइस आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताओ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैं फिर हाजिर होता हूं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपने और अपने बर्ड का अच्छे से केयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखे। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।